जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैफ 7 का आज हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4। जी हमने कंपनी लॉ शुरू किया था चैप्टर नंबर 1, और इसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा कंपनी लॉ का, ठीक है, कि कंपनी क्या चीज होती है। फिर हमने कंपैरिजन किया कंपनी का विद अदर बिजनेसेस, ठीक है, और इसमें जो अभी तक हमने कंपनी के फीचर्स का हमें पता चला ना, वो किन किन फीचर्स का पता चला जो इम्पोर्टेंट थे, ठीक है, जो मैंने आपको लिखवाए थे कि ये आपने याद रखनी है, ये बातें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे पहला फीचर ये पड़ा कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन, ठीक है, किन से, फ्रॉम मैनेजमेंट एंड ऑनर्स, ठीक है। ये कंपनी का सबसे बड़ा फीचर था कि कंपनी को लॉ ट्रीट करता है एज अ सेपरेट लीगल पर्सन, ठीक है। जैसे हम लोग हैं, हम नेचुरल पर्सन हैं, अब्दुर्रहमान एक सेपरेट नेचुरल पर्सन है, साद एक सेपरेट नेचुरल पर्सन है, हम दोनों से बिल्कुल एक दूसरे से अलग है। इसी तरह कंपनी जब वजूद में आती है तो कंपनी जिन्होंने बनाई होती है, जो मालिक होते हैं, कंपनी लोग कहता है जनाब ये बिल्कुल अलग लोग हैं और कंपनी अलग लोग, जो लोग कंपनी को चलाते हैं, लॉ ने कहा ये मैनेजमेंट है, ये अलग लोग हैं, कंपनी अलग लोग, अलग पर्सन, समझ में आ रही बात। और इस सेपरेट लीगल पर्सन को लॉ ने नाम दिया कि जनाब ये कौन सा पर्सन होगा, ये नेचुरल पर्सन नहीं होगा, ये कौन सा पर्सन होगा, आर्टिफिशियल पर्सन, ये कौन सा पर्सन होगा, आर्टिफिशियल। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताया था कि 2-3 बातें हम इस चैप्टर में सीखेंगे जो आपके पूरे कंपनीला में काम आएंगे। उसमें पहली बात ये थी कि कंपनी इज अ सेपरेट लीगल पर्सन। नंबर सेकंड बात ये थी कि जनाब इसमें लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। किसका, लिमिटेड लायबिलिटी का। ये लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किन के ऊपर एप्लीकेबल है, ओनर्स के ऊपर, कि जनाब जो लोग कंपनी बना लेते हैं तो इनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलाइक पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप में आपने बिजनेस लॉ में पढ़ा था कि जनाब पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती, यहां पे ओनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, कहां तक, अप टू देयर इन्वेस्टमेंट। उन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की है मैक्सिमम वो डूब सकता है, उससे ज्यादा उनको और पैसे लाने के लिए कोई नहीं कहेगा, ना उनको कोई मजबूर कर सकता है, क्योंकि कंपनी अगर आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट पर्सन है, तो कंपनी अपने लायबिलिटीज के लिए खुद से लायबल है, कंपनी की लायबिलिटी अनलिमिटेड है। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किन के ऊपर एप्लीकेबल है, मेंबर्स के ऊपर, ओनर्स के ऊपर, ठीक है। और इसमें जो थर्ड हमने एक और फीचर पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, परपेचुअल सक्सेशन या परपेचुअल एग्जिस्टेंस, कि जनाब कंपनी के ओनर्स चेंज हो सकते हैं। कंपनी की ओनरशिप, अगर आप किसी कंपनी के ओनर हैं तो उस कंपनी की ओनरशिप आपके पास इसी तरह की है जिस तरह ये लैपटॉप मेरा है, ये घड़ी मेरी है, ये कोट मेरा है, ये जो मल्टीमीडिया है ये राइस का है, ठीक है, ये एसेट्स राइस के पड़े हैं। जिस तरह हमारे ये एसेट्स होते हैं, इसी तरह कंपनी में जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारे एसेट की तरह है। जिस तरह हम इनको ट्रांसफर कर सकते हैं डिफरेंट तरीकों से, जो कि सेल कर सकते हैं, किसी को गिफ्ट कर सकते हैं इनहेरिटेंस में, तो इसी तरह कंपनी के शेयर्स भी, कंपनी के ओनरशिप भी उन्हीं फॉर्म्स में ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़े। कंपनी के, कंपनी एग्जिस्ट करेगी, अगर लाखों ओनर्स भी ट्रांसफर हो जाए ओनरशिप लाखों लोगों के हाथ, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा, कंपनी उसी तरह रहेगी।
ठीक है। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं, ठीक है। जो बच्चे पहला दिन है यूट्यूब पे, मैं आज ग्रुप में मैंने लिंक शेयर किए हैं, आप भी मुझे मैसेज करेंगे तो तीन लेक्चर्स आप वहां से लाजमी सुन रहे, सिर्फ सुन भी ले तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। आज हमारा है आसान सा लेक्चर है, आज लेक्चर नंबर 4 है, और लेक्चर नंबर 4 में आज हम डिस्कस करेंगे डिफिनीशन एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये वो एरिया है इस चैप्टर का जो कि 100% क्या चीज है, कौन सा एरिया है, क्रेमिंग, कंपनीला सारा क्रेमिंग, ठीक है। कुछ लोग आपको कहेंगे ना कि समझे आप, ठीक है, तो समझाता तो मैं रहूंगा, इसके बाद तो बात नहीं बननी, रीडिंग तो नहीं करानी, अल्फाज और वर्ड्स मीनिंग तो नहीं करने, समझाना तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन समझ के आपने इसको क्या करना है, मेमोराइज करना है, ठीक है। आई केप की बुक मैंने कहा था फॉलो करें, आई केप की बुक आपने सिर्फ रीडिंग करनी है, आपने याद ये मेरे वाले नोट्स करने हैं, मैं हर एक लेक्चर के आपके साथ ग्रुप में नोट्स शेयर करूंगा, जब चैप्टर कंप्लीट होगा आपको पूरे चैप्टर फॉर्म में मिल जाएंगे, ये शॉर्ट होंगे, समराइज्ड होंगे, इसमें इररिलेवेंट एक्सप्लेनेशन नहीं होगी। लेकिन अब डिफिनीशन है तो आप डिफिनीशन उठा के देख ला, आईकेप की बुक और मेरे नोट्स में सेम होगा, डिफिनीशन को आप शॉर्ट नहीं कर सकते, डिफिनीशन जिस तरह लॉ ने लिखी है, यहां तक ये कॉमे डॉट्स और ये सेमी कोलन भी डिफिनीशन में अगर हो आपने उसी तरह से याद कर लो, मेरी बात समझ में आ रही है। ये मैंने आपको बिजनेस लॉ और टैक्स में बताई थी ये बात कि जनाब ये जो डिफिनीशन है ना, ये हमारे सब्जेक्ट की क्या होती है, मैथमेटिक्स का पोर्शन होती है। किसका पोर्शन होता है, मैथमेटिक्स। अगर आपने डिफिनीशन याद की हुई है और आपको ये डिफिनीशन टेस्ट की गई है और आपने इसी तरह लिख दी, 4 नंबर की डिफिनीशन है और ये सबसे आसान एरिया होता, 4 मार्क्स की उसने डिफिनीशन पूछी और आपने सेम वर्ड टू वर्ड उसी तरह से लिखा जिस तरह नोट्स में लिखा था, 4 में से 4 नंबर आ सकते, कोई भी ऐसा क्वेश्चन दूसरा नहीं है जिसमें आप पूरे मार्क्स से केवल, मेरी बात समझ में आ रही है। बाकी भी क्रेमिंग वाले क्वेश्चन आ सकते हैं ना कि आपको कह दे कि जनाब फीचर्स ऑफ द कंपनी लिख दे, 10 नंबर का क्वेश्चन हो फॉर एग्जांपल, तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपने बहुत अच्छा तैयार किया हो तो आप मैक्सिमम 7 मार्क्स से केवल कर लेंगे, 8-10 out of 10 नहीं कर सकते, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन डिफिनीशन अगर आपने वर्ड टू वर्ड याद की है ना और आपने लिख दी तो इसमें पूरे के पूरे मार्क्स आप सिक्योर कर सकते। तो इसमें बहुत ज्यादा एरियाज पे क्रेमिंग वाले क्वेश्चन जो आपने डे टू कॉपी करके कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। तो आपने कंपनीला के कुछ एरियाज को बिल्कुल आपने याद करना है। तो आ जाए कंपनी, कंपनी की डिफिनीशन लिख रहे हैं, मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2017। पहले मैंने बात की हुई थी कि कंपनी, ये सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं इस लॉ का नाम क्या है, कंपनीज एक्ट 2017। रेगुलेटरी बॉडी कौन है, एसईसीपी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। कंपनीला क्या है, कंपनीला जब से ये कंपनी का कॉन्सेप्ट आया हुआ, कंपनी का कॉन्सेप्ट आपको याद होगा मुतारे पाकिस्तान में पढ़ा था, क्या कहां पढ़ा था, वो जो अंग्रेज आए थे और कंपनी बनाई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, पाकिस्तान में कंपनी का कॉन्सेप्ट तब आया, वो वहां से चल के आ रहा है, समझ में आ रही बात। कंपनीला मींस द रिपील कंपनीज एक्ट 1913, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड आल्सो इंक्लूड्स कंपनी एक्ट 2017 अंटिल द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। कह रहे कंपनीला का मतलब क्या होगा, कंपनीला का मतलब यह होगा कि जनाब जब से कंपनी का कॉन्सेप्ट आया है और तब से लेकर आज तक जितने लॉज इनको रेगुलेट कर रहे हैं, इनके लिए प्रोविजंस बना रहे हैं, उनका मतलब कंपनीला। अब मेरी बात सुने, ये क्यों बता रहे हैं आप, अब फॉर एग्जांपल अगर 1913 में एक कंपनी बनी हुई है तो वो किस लॉ के मुताबिक बनी होगी, कंपनीज एक्ट 1913। अब अगर वो कंपनी आज भी एग्जिस्ट करती है तो क्या जितनी दफा कंपनीला चेंज हुआ तो उतनी दफा वो कंपनी खत्म हुई होगी, नहीं, लॉ कहता है जनाब ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंपनीला का मतलब ये नहीं है कि जो आप अभी पढ़ रहे करंट कंपनीज एक्ट 2017, नहीं, लॉ कहता है जनाब कंपनीला का मतलब है कि स्टार्ट से लेके आज तक जितने भी लॉस चेंज हुए हैं और उसके मुताबिक कंपनी बन गई है
तो उन कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। कंपनी जो 1913 लॉ के मुताबिक बनी है ना कंपनीज एक्ट 2017, उसको उसी तरह ट्रीट करेगा कि ये कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक बनी। मेरी बात समझ में आ रही? तो इसलिए इन्होंने सारे लॉ का जिक्र किया कि कम नीला का मतलब सिर्फ ये नहीं होगा जो आप भी पढ़ रहे हैं, ये कम नीला होगा नहीं, 1913 से ये सारा कम नीला के डिफिनेशन में आता है। बॉडी कॉर्पोरेट, अच्छा अब इधर आ जाओ। एक है कंपनी और एक है बॉडी कॉर्पोरेट। मेन कॉन्सेप्ट समझिए, कंपनी का वर्ड हम उनके लिए यूज करते हैं ना, उन कंपनीज के लिए जो कहां पे रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान। कंपनी का वर्ड कौन से के लिए यूज करते हैं, उन कंपनीज के लिए जो रजिस्टर्ड हो अंडर द कंपनीज एक्ट 2017 या 16 या 1913, जो कंपनी लॉ पाकिस्तान में एप्लीकेबल है, रजिस्टर्ड हो एज अ कंपनी इन पाकिस्तान, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कंपनी। और बॉडी कॉर्पोरेट कौन से कंपनीज के लिए यूज करते हैं, उन कंपनीज के लिए यूज करते हैं जो क्या है, रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान एंड मतलब क्या हुआ कि दुनिया में कहीं पे भी कोई भी इदारा किसी भी मुल्क में एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हो तो उसके लिए पाकिस्तानी लॉ में कौन सा वर्ड यूज होता है, बॉडी कॉर्पोरेट। पाकिस्तान में जो कंपनी रजिस्टर्ड है ना उसको आप बॉडी कॉर्पोरेट कह सकते हैं, कंपनी भी कह सकते हैं और साथ में क्या कह सकते हैं, लेकिन जो फॉरेन में कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको पाकिस्तानी लॉ में क्या कहेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे, कंपनी नहीं कह सकते। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब इसको जो रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान है इसको आप कंपनी कह ले या फिर क्या कह ले, गलत नहीं हो, दोनों में से कोई ना। लेकिन जब जिक्र किसी ऐसे कंपनी को का आए जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ना हो तो उसके लिए आप कंपनी का लफ्ज इस्तेमाल, उसके लिए फिर सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन बच गया आपके पास, बॉडी कॉर्पोरेट। ओके हो गए बच्चों, क्लियर है कि नहीं, ये बात समझ में आ गई? अब आ जाए डिफिनेशन पे। बॉडी कॉर्पोरेट आर कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट आर कंपनी ला, मतलब कहां पे रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान। आर अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, आर अ बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड इज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रिलेवेंट स्टेट्यूट का मतलब क्या है, लॉ हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ठीक है। करे कोई भी इदारा जिसको कानून लॉ या फिर गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट के पास ये अख्तियार है कि वो किसी भी इदारे को कंपनी का स्टेटस दे सकते हैं, तो अगर गवर्नमेंट ने स्टेटस दे दिया तो फिर उसको भी हम क्या कहेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट। बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, किसको कहते हैं। आपने देखा होगा पाकिस्तान में बहुत सारे एनजीओस काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, एनजीओस। लॉ कहता है जनाब उनको आप बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कह सकते, समझ में आ रही बात। फॉरेन एनजीओस पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ना, तो वो तो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है, या एनपीओ कोई भी एज अ कंपनी रजिस्टर्ड ना हो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको आप बॉडी कॉर्पोरेट अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एनी अदर एंटिटी नॉट बीइंग अ कंपनी एज डिफाइंड इन द कंपनीज एक्ट आर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग व्हिच द कंसर्न मिनिस्टर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ। कह रहे जनाब फेडरल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है कि फॉरेन कंट्री में या पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइजेशन एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हो, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट का कंसर्न मिनिस्टर जो है, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है, इसके पास इख्तियार है, वो उसको बॉडी कॉर्पोरेट की डिफिनीशन से निकाल दे कि नहीं इसको आपने कंपनी का स्टेटस नहीं देना, तो फिर उसको भी हम बॉडी कॉर्पोरेट नहीं कह सकते। 5 से 7 मरतबा डिफिनीशन पूछी गई है डिफाइन बॉडी कॉर्पोरेट,
कितनी मरतबा, कितने मार्क्स का? 4 नंबर का, 3 नंबर का, 5 नंबर का, मुझे बताएं। जो बच्चा ये 3 लाइन ऊपर है, 2 लाइन नीचे है, ये याद करेगा, ठीक है। तो 5 नंबर अगर आपको आ जाए, ठीक है, सीधे सीधे पूरे मार्क्स ले सकते, समझ में आ रही बात। तो ये वो ये जो डिफिनिशन जो है ना, ये पेपर का गोल्डन मार्क्स होते हैं। कौन से मार्क्स होते हैं? गोल्डन मार्क्स। ये आप अगर 4 नंबर है, 5 है, 6 है, आप 100% मार्क्स इसमें से केवल कर सकते, ठीक है बच्चों। तो इसको आपने आज से आपका याद करने वाला काम शुरू होगा। कल तक तो हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे ना, ठीक है, वो तो मैं आपको समझा रहा था, वो आप सिर्फ रीडिंग करेंगे फिर भी बात ओके हो जाएगी, लेकिन यहां से आज से आपने याद वाला काम शुरू कर देना है, आज से आपने मेमोराइज करना शुरू कर देना है, ठीक है। और मैं इतना पढ़ाऊंगा कि घर जाके आधे पौने घंटे में आप याद करोगे, और पूरा सेशन इतना पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह जून में कोर्स भी खत्म हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो साथ साथ आपने करना है, ताकि इंशाल्लाह कल जब मैं टॉपिक खत्म करूंगा मेरे ख्याल में, तो फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं। अब मैंने एक एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ क्लास में डिस्कस करना है, तो सिर्फ ये ना हो मैं आपको सिर्फ तरीका सिखाऊं, आपको कॉन्सेप्ट्स का पता हो। कॉन्सेप्ट्स का पता कब होगा? जब आपने याद किया होगा। प्रोविजंस का आपको पता, समझ में आ रही बात? तो तब हमें पास पेपर्स के प्रैक्टिस का फायदा होगा। अगर आपको प्रोविजंस याद नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। मैं आपसे सुन भी लिया करूंगा कभी कभी, हाँ जी। ये एनालिसिस आप अबव डेफिनेशन से पढ़े, ये देखिए ना, स्टेट बैंक स्टेचुटरी बॉडी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कंपनी का स्टेटस किसने दिया है? गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने दिया। ये कौन सी बॉडी है? स्टेचुटरी। एफबीआर को देख ले, कौन सी बॉडी है? स्टेचुटरी। समझ में आ रही बात? जी। ये देखे, ये बात भी डिफिनीशन में लिखी हुई है कि फेडरल गवर्नमेंट के पास ये अख्तियार है कि वो किसी भी फॉरेन कंपनी को या स्टेचुटरी बॉडी को डिफिनीशन से एक्सक्लूड कर सकता है फ्रॉम द डिफिनीशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। जी एग्जांपल्स पढ़े शाबिश। कहां पे इनकॉर्पोरेटेड है? इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड। इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या है? रजिस्टर्ड। कहां पे रजिस्टर्ड है? पाकिस्तान में। और ब्रांच ऑफिसेज है सारी दुनिया में, तो इसको क्या कहेंगे? कंपनी भी कह सकते हैं और बॉडी कॉर्पोरेट। ये कहां पे इनकॉर्पोरेटेड है, तो इसको क्या कहेंगे? बॉडी कॉर्पोरेट, इसको कंपनी नहीं कह सकते। जी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी जो ऊपर बताए हैं ना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हाउसिंग सोसाइटीज आ जाती है। इज जनरली अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट, इट शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ जनरली, ये बॉडी कॉर्पोरेट होता है, लेकिन कंपनीज एक्ट 2017 ने स्पेसिफिकली उसको डिफिनीशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट से क्या कर दिया है? एक्सक्लूड कर दिया है। इसलिए आप इसको, जी कंसर्न मिनिस्टर शैल नॉट बी कंसिडर्ड अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर द पर्पस, ऑरेंज इंक शैल नॉट बी अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर एप्लीकेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017। फेडरल मिनिस्टर के पास ये अख्तियार है कि वो किसी भी इदारे को इस डिफिनीशन से क्या कर सकता है? एक्सक्लूड कर सकता है। फॉरन कंपनी, फॉरन कंपनी मीन्स एनी कंपनी आर बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। कोई भी इदारा जो पाकिस्तान से बाहर एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हो, तो उसको हम कौन सी कंपनी कहते हैं? बॉडी। विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस आर लाइजोन ऑफिस इन, वेदर बाई इट सेल्फ आर थ्रू एन एजेंट, फिजिकली आर थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, आर कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। कह रहे जरा फॉरन कंपनी उस कंपनी को कहेंगे जो एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हो आउटसाइड पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा हो, या अपने ब्रांच ऑफिस के थ्रू, या फिर उनका ब्रांच ऑफिस हो, या फिर वो फिजिकली इधर यहां पे
अपना बिजनेस कर रही हो तो कंपनीज एक्ट 2017 में उसको क्या कहते हैं, फॉरेन कंपनी, सिर्फ कंपनी नहीं कह सकते। अगर आपने इसके लिए प्रॉपर वर्ड यूज करना है ना तो बॉडी कॉर्पोरेट यूज कर ले या फिर फॉरेन कंपनी, सिर्फ कंपनी आप इसके लिए वर्ड यूज नहीं, फॉरेन लगाएंगे। जी एग्जांपल पढ़े। ओके हो गया जी। अब टाइप्स ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। जी टाइप्स ऑफ कंपनीज किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लायबिलिटी। तो सबसे पहले लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया, अभी भी मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट किन के ऊपर एप्लीकेबल है, पहली बात तो यह कि यह किन के ऊपर एप्लीकेबल होता है, ओनर्स के ऊपर। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कौन सी कंपनी होती है, वो कंपनी जो लिमिटेड बाई शेयर्स होती है। क्या होती है, लिमिटेड बाई शेयर्स, जिस इसका शेयर कैपिटल लाजमी होगा। हाँ बच्चों क्या होगा, इसका क्या होता है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पे भी बात की थी उसने, की थी ना, कि इसको कैपिटल क्यों नहीं कहते, कंपनी के इन्वेस्टमेंट को शेयर कैपिटल क्यों कहते हैं, इस पे मैंने अच्छी खासी डिस्कशन की थी, आपको समझाया था। ठीक है, आप लोग लेक्चर लोगे तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी, आसान सी बातें हैं। शेयर कैपिटल का पूरा चैप्टर आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा जिक्र आया था तो मैंने थोड़ा सा 5-7 मिनट इस पर डिस्कशन की। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, अच्छा हमें पता कैसे चलेगा कि ये लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी है, याद रखिएगा कहाँ से पता चलता है भाई, किसके नेम से, कंपनी के। ठीक है, अगर ये प्राइवेट कंपनी होना, कौन सी कंपनी हो, अभी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको आइडिया तो है ना, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी टैक्स में भी जिक्र आया था, आईटीबी में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो आपको बहुत थोड़ा बहुत अभी डिफिनीशन अभी पढ़ते हैं। ठीक है, अगर प्राइवेट कंपनी हो तो नाम के साथ लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है ABC, तो साथ में ब्रैकेट में लिखा होगा ABC प्राइवेट लिमिटेड, समझ में आ रही बात। और अगर कंपनी पब्लिक कंपनी है तो क्या लिखा होगा, ABC लिमिटेड। दिस इंडिकेट, आपको स्पेसिफिकली कोई नहीं बताएगा, ये कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है कि कोई भी कंपनी जो लिमिटेड लायबिलिटी वाली है वो अपने नाम के साथ क्या ऐड करेगी, लिमिटेड। यहां कंपनी के बाहर बोर्ड लगा होगा, उस पर भी लिमिटेड लिखा होगा, कंपनी के जितने डॉक्यूमेंट्स, ये आपको इंडिकेट इंटीमेट करती है उन सारे लोगों को जो इस कंपनी के साथ डीलिंग करना चाहती है, ये इंटीमेशन है कि जनाब इसकी लायबिलिटी क्या है, मेंबर्स की, भाई लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है, किन की, ओनर्स। तो इनके साथ डीलिंग करते हुए एहतियात करना, क्योंकि इनके ओनर्स को आप कल पकड़ नहीं सकते। समझ में आ रही बात, कहां से पता चलेगा भाई, कहां से पता चलेगा, नाम से, कंपनी के नाम से। तो ये था लिमिटेड लायबिलिटी। ओके हो गया। एक है गारंटी लिमिटेड कंपनी, कौन सी कंपनी, नाम से पता चलता है, जिसमें क्या दिया जाता है, श्योरिटी। श्योरिटी किस बात की, अच्छा ये गारंटी लिमिटेड जो है ना, ये अक्सर जब आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कंपनी रजिस्टर करते हो ना, तो उधर कौन सी कंपनी बनाई जाती है भाई, उसमें कौन सी कंपनी बनाई जाती है, गारंटी लिमिटेड। कौन सी लिमिटेड, गारंटी। ठीक है, अब देखें फॉर एग्जांपल 10 फ्रेंड्स जो है ना वो इकट्ठे हो गए कि जनाब हम कोई ऐसा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं जिसमें हम किसी को, गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन, समझ में आ रही बात। 10 के 10 दोस्तों ने कहा कि जनाब हम जो है ना, हम तो ये काम कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं, तो हमारे स्किल्स है, डोनेशन हम लोगों से इकट्ठा करेंगे और ये इदारा चलाएंगे। इम्पोज डोनेशन पे चलती है ना, ठीक है, लेकिन
इसके लिए हम बिल्डिंग लेंगे, लोगों को हायर करेंगे, तो बिजली यूज करेंगे, बहुत सारे और फैसिलिटीज यूज करेंगे, तो ये तो पूरे करने हैं। तो हम सोसाइटी की भलाई के लिए भी काम कर रहे हैं और कल हमारी पर्सनल लायबिलिटी भी हो तो हम क्यों ना अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर करा ले, ताकि कल हमारी पर्सनल कोई लायबिलिटी तो ना हो ना। तो लॉ ने ऑप्शन दे दिया, बिल्कुल करें, आपको इजाजत है। आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का वर्ड यूज होता है, हमारे टॉपिक का हिस्सा है, इंशाल्लाह इसी चैप्टर में आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो लॉ ने इजाजत दी कि आप इस इदारे को एज अ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी रजिस्टर करवा दें, मैं इजाजत दे देता हूं। लेकिन इसमें आप एक काम करोगे बच्चों, आप लोगों ने तो देयर इज नो शेयर कैपिटल ना, विद शेयर कैपिटल भी हो सकता है कि ये 10 कहे कि यार जितना हमारा इस्तेदात है, कहे मैं 10 लाख स्टार्ट में कंट्रीब्यूट करता हूं अपनी तरफ से, दूसरा कहता है मैं 10,000 कर देता हूं, तीसरा कहता है मैं 1,00,000 कर देता हूं, चौथा कहता है मैं 50, पांचवा कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, मैं सिर्फ आपके साथ हेल्प कर सकता हूं। तो कोई भी लॉ ने कहा ठीक है, अगर आप 1 रुपए भी नहीं करते ना करें, लेकिन आप मुझे एक क्या दे दे भाई, क्या दे रहे, क्या दे रहे, श्योरिटी, क्या दे रहे, गारंटी कि अगर ये कंपनी कभी बंद होने जा रही हो, कब, क्या दे रहे मुझे, श्योरिटी कि ये कंपनी कभी बंद होने जा रही हो, श्योरिटी इसको अंडरटेकिंग भी कहते हैं, मुझे इन राइटिंग दे दे सारे 10 के 10 फ्रेंड्स कि अगर ये कंपनी कल क्लोज होगी, वाइंडिंग अप में जाएगी, खत्म होगी, तो आप लोग मुझे एक अमाउंट की श्योरिटी दे दे कि हम एट द टाइम आप वाइंडिंग अप ये इस इदारे को कंट्रीब्यूट करेंगे, बेशक स्टार्ट में आप 1 रुपए ना, आप लोगों से डोनेशन से करते, लेकिन मुझे एक श्योरिटी दे दे कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप आप इस कंपनी को, इस इदारे को इतने पैसे कंट्रीब्यूट करोगे, 1,00,000 रुपए करोगे, 10 लोगों 10-10 लाख करोगे, 5-5 लाख करोगे, कितना करोगे वो मुझे बता, ठीक है। इसलिए इस कंपनी को क्या कहते हैं, गारंटी लिमिटेड कंपनी, जिसमें किन से गारंटी ली जाती है भाई, किन से, ओनर से, कि आप कब कंट्रीब्यूट करोगे, वाइंडिंग, जब ये ऑर्गेनाइजेशन खत्म होगी ना, इसका स्टेटस खत्म हो गया एज अ कंपनी, इसको हम क्लोज करेंगे, तो उस टाइम पे आप इसको इतने इतने अमाउंट कंट्रीब्यूट करोगे, तो इसलिए इस कंपनी को हम क्या कहते हैं, गारंटी लिमिटेड कंपनी, कौन सी कंपनी कहते हैं, गारंटी, ओके हो गए बच्चों, क्लियर है, हाँ क्लियर है कि नहीं। और नंबर थर्ड है अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी के प्रैक्टिकली आपको एक पूरे दुनिया में 1 से 2 एग्जांपल्स मिलेगी, ठीक है। कंपनी का सबसे बड़ा फीचर जो है वो तो लिमिटेड लायबिलिटी का है, तो अगर आपने अनलिमिटेड कंपनी बनानी है तो इसकी जगह आप पार्टनरशिप क्यों नहीं बनाते, पार्टनरशिप बना, पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है ओनर्स की, अनलिमिटेड। तो आप इतना लीगल रिक्वायरमेंट्स में जा रहे हो, रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, इनकॉर्पोरेशन करा रहे हो, उधर से परमिशन, इधर से परमिशन, तो लॉ कहता है इसकी जरूरत क्या है, आप इसको फिर क्या रजिस्टर करवाएं एज अ पार्टनरशिप, अपने कारोबार को रजिस्टर करवा ले, तो उससे बेहतर है कि आप इसको एज अ पार्टनरशिप चला लें, ओके हो गए बच्चों, हाँ क्लियर है जी। अब ये पढ़े आप, भाई द मेमोरेंडम मैंने आपको बताया था, मेमोरेंडम पहले भी जिक्र आया था, कंपनी का डॉक्यूमेंट है, इससे ज्यादा नहीं सोचना, बस इतना। अनपेड ऑन द शेयर्स, इस पे भी अच्छी खासी डिस्कशन की थी यार, अप टू द अमाउंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, याद है ना, हाँ साथ याद आ रहे, कुछ नहीं आपने लेक्चर सुन लें तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। इस पे अच्छी खासी मैंने डिस्कशन की है इस कॉन्सेप्ट,
जी एक्स्ट्रा बातें जो लिखी हुई है कोई समझने की जरूरत नहीं है, जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया है, कॉन्सेप्ट क्या दिया है, बस ये बातें, ठीक है। ये जितनी बातें लिखी हुई है ये आगे पूरे पूरे टॉपिक्स है, ठीक है। तो इस पे के जनाब ये एबल शेयर होल्डर अप्रूव टू रेज एडिशनल बाय इशूइंग न्यू शेयर्स कोई जरूरत नहीं है, बस ठीक है। सिर्फ रीडिंग करें, याद करने की या समझने की या सोचने की जरूरत नहीं है, लिमिटेड बाय गारंटी पर टू अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ, ओके हो गया, बस इतना काफी है। और अनलिमिटेड कंपनी, ओके हो गया, चुप ले रहे कि नहीं, हाँ अगला क्या है जी, अगला है टाइप्स ऑफ कंपनीज अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू। जब कंपनीज हम बनाते हैं, रजिस्टर कराते हैं, इनकॉर्पोरेट कराते हैं, तो हमारे पास कितने टाइप्स के ऑप्शंस है कि हम कंपनी को या तो एज अ प्राइवेट कंपनी रजिस्टर करा लें, या फिर पब्लिक कंपनी रजिस्टर कराए। प्राइवेट कंपनी में हमारे पास फिर दो ऑप्शंस हैं, एक है सिंगल मेंबर कंपनी, और एक है अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। प्राइवेट कंपनी कितने ऑप्शन है, दो। सिंगल मेंबर को एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कहते हैं, क्या इसके नाम के साथ एसएमसी ऐड करना लाजमी है, इसके नाम के साथ आखिर में ये आ रहा हूं, ठीक है। इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसकी रजिस्ट्रेशन, इसका सिंगल मेंबर होना जरूरी है, मतलब कितने ओनर्स होते हैं इसके, एक ही ओनर, वही ओनर इसका क्या होता है, डायरेक्टर, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये किन के लिए इंट्रोड्यूस कराया गया था, किन के लिए, फैमिली बिजनेसेस के लिए, ठीक है। कंबाइंड फैमिली बिजनेसेस जो होते थे उनके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया है, प्राइवेट का, कि कल लड़ाई ना हो इनहेरिटेंस में कि मेरा इतना शेयर, मेरा इतना शेयर, एज अ कंपनी रजिस्टर करा ले, शेयर्स डिवाइड कर ले, किसका कितना शेयर होल्डिंग है, उसके मुताबिक हर एक बंदे को, लॉ के मुताबिक हर एक बंदे को अपना अपना हिस्सा मिलता रहे। अदर देन प्राइवेट कंपनी के फीचर्स क्या है, ठीक है, इसके मिनिमम टू मेंबर्स होने चाहिए, कितने मेंबर्स या ओनर्स होने चाहिए, दो, मिनिमम कितने, दो, ठीक हो गया। मैक्सिमम कितने, 50 मेंबर्स, या ओनर्स, ठीक हो गया। और फीचर्स मैं आपको पढ़ाता हूं जी, रिस्ट्रिक्ट्स, अच्छा एक लॉ में आपको दो तरह के वर्ड मिलेंगे, एक रिस्ट्रिक्ट वर्सेस प्रोहिबिट्स। ये जब वर्ड यूज होना, ये कौन सा वर्ड है भाई, ये कौन सा वर्ड है, रिलैक्स। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कुछ कंडीशंस को फॉलो करके, ये रिस्ट्रिक्शन किस में कन्वर्ट हो सकती है,
परमिशन में कन्वर्ट हो सकती है। जब क्या लिखा हो? नेवर। इसके लिए कोई रास्ता नहीं है कि इस प्रोहिबिशन को आप किस में कन्वर्ट कर लेंगे? परमिशन में। समझ में आ रही बात? बच्चों क्लियर है ना? रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन का पता चल गया। प्रोहिबिशन नेवर, बस ये आखिरी लफ्ज, इससे आगे नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शन हो, जब रिस्ट्रिक्शन का वर्ड यूज हो आपके ज़हन में ऑटोमेटिकली कि हाँ कुछ कंडीशंस होंगे, अगर वो फुलफिल करें ना तो ये चेंज हो सकता है। तो पहला है रिस्ट्रिक्ट्स, क्या लिखा हुआ है? प्राइवेट कंपनी अदर देन एसएमसी मींस अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, ये डॉक्यूमेंट का नाम है। किसका नाम है? डॉक्यूमेंट। बस इतना समझ लें, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कंपनी के डॉक्यूमेंट्स का नाम है। क्या होते हैं डिटेल में पढ़ें। द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर सेफ एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन द एक्ट। कह रहा है प्राइवेट कंपनी के मेंबर्स जो हैं वो अपनी ऑनरशिप किसी और को ट्रांसफर, लेकिन इस पे क्या लगा हुआ है? रिस्ट्रिक्शन। ये नहीं कि नेवर हो, कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशंस होंगे वो पूरे करने होंगे। ठीक है, नंबर सेकंड, लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 50 नॉट इंक्लूडिंग पर्संस हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। कह रहे हैं जनाब मैक्सिमम नंबर कितनी है? 50। लेकिन कह रहे हैं इसमें एम्प्लॉयज शामिल नहीं होंगे। कौन शामिल नहीं होगा? एम्प्लॉयज। नंबर थर्ड, प्रोहिबिट्स, क्या वर्ड यूज किया है? Any invitation to the public subscribes for the shares or debentures। कह रहा है जनाब प्राइवेट कंपनी जो है ना प्रोहिबिशन किस पे लगाती है? सेल ऑफ शेयर्स टू द पब्लिक। कह रहे जनाब ये पब्लिक के लिए अपने शेयर सेल नहीं कर सकती, इस पे क्या है? इस पे क्या है? प्रोहिबिशन। ये पब्लिक के लिए अनाउंस नहीं कर सकती कि आ जाओ मेरे कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लो, नो, ये प्रोहिबिशन। ओके, हो गया। प्रोवाइडेड दैट वेयर टू आर मोर पर्संस होल्ड, यहां देखें। अच्छा, इसमें एक और बात आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, ठीक है, और इसके पास कंपनी एक्स के 10,000 शेयर। कितने शेयर? 10,000। मिस्टर ए क्या हो गया? ठीक है, और इसके कितने बच्चे हैं? अब इनहेरिटेंस में ये 10,000 शेयर्स किसके पास आ गए? पांचों के पास ना। तो लॉ कहता है जनाब ये पांचों मालिक हैं। यहां पे कितने मेंबर थे? एक। यहां पे कितने मालिक हैं? कहता है इसको पांच नहीं गिन, इनको भी कितने गिनना है? मेरी बात समझ में आ गई? इनको कितना गिनना है? एक। यानी कि पांच। पहले जब मिस्टर ए जिंदा था तो 50 मेंबर थे, जब मिस्टर ए मर गया तो आपने कहा लॉ की वायलेशन होगी, अब तो 54 मेंबर हो, एक कम हो गया लेकिन पांच ऐड हो गए। लॉ कहते हैं नहीं, जो बहन भाई या जो लोग कंबाइनली एक कंपनी के शेयर्स ओन करते हो और उनकी तादाद एक से ज्यादा हो तो उनको कितना मेंबर काउंट करना है? एक मेंबर। कितना मेंबर काउंट करना है? एक मेंबर। जी ये पढ़े, टू आर मोर पर्संस होल्ड वन आर मोर शेयर्स इन अ कंपनी दे शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस डिफिनेशन बी ट्रीटेड एज अ क्वेश्चन। पूछा जा चुका है, हाँ कल इंशाल्लाह प्रैक्टिस कराऊंगा आईकेएफ ने इसका 3 से 4 नंबर का आसान सा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन बहुत सारे बच्चे गलत करके आए। ठीक है, बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। प्राइवेट कंपनीज आर यूजुअली स्मॉल एंड मीडियम साइज फैमिली ओन्ड बिजनेसेस। ओके, हाँ डिफिनीशन आपने यहाँ तक काउंट करनी है। ठीक है, ये अगर कभी जैसे ये प्रोविजन तब लिखनी है जब उसने, मैंने कहा कल वाला मैं आपको बताऊंगा, तो उसमें ये प्रोविजन लिखनी है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2017। ठीक हो गया, पब्लिक कंपनी आ गई अभी, ये बात क्लियर है बच्चों? हाँ हाँ, बस कर दो, मेरे ख्याल में काफी है। हाँ हो गया है बस, ठीक है। चले ये लेक्चर नोट्स इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। जो बच्चे नए हैं, मेरा नंबर तो है, मुझे नेम और पेपर व्हाट्सएप कर दे ताकि आपको पुराने लेक्चर्स का लिंक भी शेयर कर दूँ और लेक्चर नोट्स भी शेयर कर दूँ ग्रुप में, ताकि कल जब आप आए तो वो लेक्चर्स आपने रिवाइज की। ठीक है,
ओके जी बच्चों, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।